गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वे। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे जो यूपीएससी की सीरीज को शुरू करा है, तो आई होप कि आपको पता तो चल ही गया होगा, ठीक है ना। तो अभी नॉर्मल वही रिस्पांस जो आता है 50 60 40 व्यू आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पता है कि एक वक्त हुआ आएगा कि हमारे चैनल को भी जो है वो हमारे चैनल की वीडियोस भी इंशाल्लाह ट्रेंडिंग में जाएंगी, ठीक है ना, अगर आपका साथ सबका सपोर्ट रहा तो, ठीक है ना। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट जरूर कर दिया करें, लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब जाके वीडियो तैयार होती है। तो हम बात कर रहे थे डायवर्सिटी की, जिसके अंदर हमने जो है वो लद्दाख के बारे में पढ़ा है नी। अब हम थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं कि डायवर्सिटी किस तरीके से जो है वो डायवर्सिटी को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस क्या क्या करता है। तो डायवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वेन पीपल adopt their leaves to the geographical area in which he lives। मतलब डायवर्सिटी को प्रभावित करने वाला जो एक फैक्टर है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है, और ये बहुत बहुत और बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारी डायवर्सिटी को। जैसे कि आप एग्जांपल से समझो कि पहाड़ पे रहने वाले लोग और सरफेस पे रहने वाले लोग, जमीन पे रहने वाले लोग, इनका रहन सहन, इनका कपड़े पहनने का तरीका, इनके व्यवसाय का तरीका, इनके खाने पीने का तरीका सारा अलग होगा, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर ही तो है। ये क्या है कि डायवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वेन पीपल अडॉप्ट देयर लीव्स। जब लोग बग अडॉप्ट की मीनिंग क्या होती है, टू मेक समथिंग फॉर न्यू यूज और न्यू पर्पस। मतलब सब अलग अलग, सबके जो है वो रहने का, खाने पीने का सबका तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। इन विच दे लीव, जैसे कि एग्जाम्पल, living near the mountains is quite different than living near the sea। मतलब जो लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं और जो लोग समुद्र के पास रह रहे हैं, उनके रहन सहन के तरीके दोनों के अलग अलग होंगे। उन सबके जो पहाड़ों पे रह रहे हैं वो अपने हिसाब से रह रहे होंगे, जैसे कि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है तो कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं, ठीक है ना, परमानेंट ही कपड़े ज्यादा पहनते हैं क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है हमारे रहन सहन, हमारे कपड़े पहनने के तरीके, हमारे व्यवसाय, सबको प्रभावित करता है, ठीक है ना। जूम करके दिखा दें इसको। अब एक चीज को और समझे आप, वो क्या है, Not only do people have different eating and clothing habits। मतलब लोगों के पहनने में और खाने में ही अंतर नहीं होता, बल्कि the kind of work they do are different, ठीक है जी। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात, मतलब not only do people have different eating and clothing habit but the kind of work they do are different। मतलब जो वो काम धंधा करते हैं ना, उसमें भी बहुत ज्यादा जो है उनके फर्क होता है, ठीक है ना। अब किसी भी रीजन की जो डायवर्सिटी को प्रभावित करते हैं वो दो फैक्टर सबसे ज्यादा करते हैं। पहला है उसके बाद है आपका
ये दो फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जूम करके दिखा दे, चले कर दू रे। ये हमने सारी पढ़ी है लद्दाख के बारे में, अब हम केरला का डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लोग। केरला क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन्हीं रीजन के अंदर पाई जाती है, तो यहां के एग्जाम्पल्स इन्होंने उठा लिए। अब केरला क्या है, केरला के बारे में डिस्कस करते हैं। केरला है नी? क्या पता लगता है भैया इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? केरला इज अ स्टेट, केरला इज अ स्टेट, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ साउथ एंड वेस्ट वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, मतलब केरला जो है वो साउथ और वेस्ट जो है वो पार्ट में है इंडिया के। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड, एक पूरी साइड में इसके क्या है, सी एंड हिल्स ऑन अदर साइड, हिल्स ऑन अदर साइड। ठीक है ना, दूसरे साइड इसके क्या है, पहाड़ है। अब कमाल की बात देखो, ये केरला क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है? अ नंबर ऑफ स्पाइसेस सच एज पेपर क्लोथ। देखो बच्चों, जो चीज काम की होगी उसके नीचे अंडरलाइन जरूर मानना, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस सच एज पेपर क्लोथ एंड कार्डोमोम, ठीक है, सच एज पेपर क्लोथ एंड कार्डोमोम्स, है नहीं, आर ग्रोन ऑन द हिल्स। ठीक है, ये किस पे, वहां के जो केरला के जो हिल्स है उस पे ये सारी जो स्पाइसेस है वो ग्रो करती है, जैसे कि ब्लैक है नी, ब्लैक क्लोव्स हो गया, कार्डोमोम हो गया आपका, ठीक है ना। इट्स स्पाइसेस डेट मेड दिस रीजन स्पेशल, मतलब ये स्पाइसेस ही हैं जो इस रीजन को, इस क्षेत्र को स्पेशल बनाती है, ठीक है ना। तो ये सारा जो है वो केरला के बारे में है, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लें केरला। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इज अ स्टेट इन द साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर, अ नंबर ऑफ स्पाइसेस सच एज पेपर क्लोव्स एंड कार्डोमोम आर ग्रोन ऑन द हिल्स या इन द हिल्स, ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक लग रही है आपको, इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन स्पेशल, स्पाइसेस ही हैं जो इस रीजन को स्पेशल बनाती है। ठीक है बच्चों, जूम करके दिखा दो, कर दूर। यहां पर जो है हिस्टोरिकल इंफ्लुएंस ज्यादा दिखेगा आपको, हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर का मतलब है जब आप किसी जगह से प्रभावित होकर चले जाते हो वहां पर, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेनी अरब ट्रेडर्स केम एंड सेटल डाउन, बहुत से अरब के लोग जो है यहां पर आए और सेटल डाउन हो गए, बस गए। क्यों बस गए भैया, केरला अच्छा लगता था इसलिए थोड़ी ना बस गए। केरला के अंदर कुछ तो देखा होगा उन ट्रेडर्स ने, भाई व्यापारी, एक व्यापारी कहां पर क्यों आएगा और क्यों बसेगा भाई, कोई चीज तो उसको जो है लुभाएगी वहां की, कोई चीज तो अट्रैक्ट करेगी। तो केरला के अंदर क्या था, मैंने क्या बताया आपको, वहां जो है वो रीजन स्पाइसेस के लिए बड़ा पॉपुलर था, है नहीं। तो ये चीज थी कि मेनी अरब ट्रेडर्स केम एंड सेटल डाउन हियर। उसके बाद इब्ने बतूता, नाम तो सुना होगा, इब्ने बतूता, गाना भी इसके ऊपर है नहीं। इब्ने बतूता केम अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, मतलब 700 साल पहले इब्ने बतूता यहां पर आए, ठीक है ना। इब्ने बतूता केम हियर
अ लिटिल लेस देन 700 इयर्स अगो. अब उन्होंने क्या करा, हु ट्रेवल्ड हियर, हु ट्रेवल्ड हियर एंड ही रोट, उन्होंने लिखा, ही रोट ट्रेवलोग्यू, ट्रेवलोग्यू. ये ट्रेवलोग्यू क्या है, जिसके अंदर जो है यात्री अपनी यात्रा को लिखता है. मतलब जो आप, जो बंदा सफर कर रहा है, जो अपने सफर के पूरे इंसिडेंट को, सारी बातों को लिखेगा, उसको ट्रेवलोग्यू बोलते हैं. ठीक है ना. मतलब इब्ने बतूता आए 700 साल पहले और उन्होंने ही रोट अ ट्रेवलोग्यू इन विच In which he described the leaves to the Muslim. मतलब वो आए यहां पर और उन्होंने मुसलमानों के बारे में, जो मुस्लिम्स के बारे में यहां पर बताया, अपनी ट्रेवलोग्यू थी उसके अंदर उन्होंने लिखा. In which he described the leaves to the Muslim और बताया. And he says They were the highly respected. They were the highly respected community. क्या बताया उसके अंदर, कि वो बहुत ही ज्यादा highly respected community थी. कर दू रेस. ये नोट्स के रूप में आप ले लेना. ठीक है बच्चा. चलो भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए दिक्कत होती है, बच्चा लोग इतना लिखना पड़ता है. फिर भी जो मजा इसके अंदर है ना, वो मजा उसके अंदर नहीं है. अब ये मत कहना कि है नहीं तो सर इसलिए बोल रहे हो. बाकी मजा लिखने में और समझाने में आता है. ठीक है ना सारा. उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, जो आपने डिस्क्राइब कर दिया. अब पुर्तगाली भी वहां पर आए भाई. इब्ने बतूता आ गए अरब से. ठीक है ना. इब्ने बतूता के बाद पुर्तगाल से भी है नहीं, पोर्चुगी. पोर्चुगीज, ठीक है, पोर्चुगीज, पुर्तगाली मतलब इंग्लिश में पोर्चुगीज. ठीक है ना. पोर्चुगीज discovered the sea route to India From Europe. क्या समझे बच्चा लोग. मतलब जो है वो पुर्तगाली जो थे उन्होंने सी रूट को डिस्कवर करा, उसकी खोज की, कहां से, इंडिया से यूरोप तक के लिए. ठीक है ना. जिसके अंदर वास्को डिगामा अंडरलाइन मार रहा हूं इसको, वास्को डिगामा केम हेयर With his ship, ठीक है ना. वास्को डी गामा अपनी ship से यहां पर आए, जिन्होंने यूरोप से जो है सी के रास्ते, यूरोप से इंडिया तक का जो है वो सफर, मतलब जो उन्होंने रास्ता खोज लिया. ठीक है ना. आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में. जैसे कि because of all these various historical ये सारी historical factors हैं. ठीक है ना, जो उनको प्रभावित करके यहां तक लिया है. because of all these various historical factors in Kerala people practice differ religions. मतलब जो केरला के लोग हैं वो अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं. जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी. ठीक है ना. क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म.
ठीक है जी, ये सारे हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये सारे किसके पार्ट है, केरला के पार्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको भी इरेज करने जा रहा हूं। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, नोट डाउन करना इसको बहुत ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द फिशिंग नेट यूज्ड हेयर इज कॉल्ड चीना वाला, मतलब जो मछलियां पकड़ने के लिए जो जाल प्रयोग होता है केरला के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? चीना वाला, है नहीं? आपके अंदर ये क्या प्रीलिम्स के अंदर अगर क्वेश्चन आया था तो चीना वाला है नहीं, तो किस तरीके से आपको मिलेगा? अगर आपने सिक्स क्लास की सिविक्स पढ़ रखी होगी तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद द यूटेंसिल्स फॉर फ्राइंग, मतलब जो फ्राई करने के लिए वहां पर बर्तन यूज करे जाते हैं, इज कोल्ड चीना चट्टी। क्या बोलते हैं उन बर्तन को? चीना चट्टी, ठीक है ना। और ये चीना चट्टी से एक वर्ड बहुत काम का आया जिसको बोलते हैं चीन, ठीक है ना। चाइना वर्ड केम फ्रॉम चीना चट्टी, ठीक है ना। चाइना वर्ड किससे आया? चीना चट्टी से। तो इसको बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कर लेना। ये जो चीना वाला वहां के जाल को बोलते हैं, चीना चट्टी वहां के जो यूटेंसिल है बर्तन को जो फ्राई करने के लिए यूज करे जाते हैं, उन बर्तन को जो है वो चीना चट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम? वहां पर लोग किस तरह की, वहां लैंड है और क्या लोग वहां के खाते हैं, तो यहां पर मैं इसको डिस्क्राइब, इसको रेस कर देता हूं। The fertile land growing rice, वहां की जो उपजाऊ जमीन है उस पर ज्यादातर क्या होता है? वो rice जो है वो पैदा होता है, ठीक है ना। And a majority eat rice, fish एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। वहां के लोग क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, राइस खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। ये हमने केरला के बारे में डिस्कस कर लिया कि वहां पर लोग कैसे खाते हैं, वहां की सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रेज होता है, वो क्या है भाई? कुछ भी पूछ लिया जा सकता, आईएएस का एग्जाम है भाई, ठीक है ना। अ बोट रेस is an important part of Onam festival celebrated in Kerala। मतलब ओनाम एक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर बहुत ही पॉपुलर बोट रेस रखी जाती है। बोट रेस जो है वो ओनाम फेस्टिवल का हिस्सा है जो कि केरला के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। सो इट्स ऑल अबाउट द केरला, जिसके अंदर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े, हमने हिस्टोरिकल फैक्टर पढ़े और हमने लद्दाख के अंदर भी यही सारी चीजों को डिस्कस करा है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, उसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। केरला इज एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, जो व्यापारी है ना उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है केरला, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पर स्पाइसेस ग्रोन होती है, ठीक है ना। अब अरब आपसे पूछ लिया कि केरला के अंदर आए कौन थे सबसे पहले, तो अरब एंड जूश वर द फर्स्ट केम हेयर, ठीक है ना।
अरब के लोग थे और जूश लोग थे जो सबसे पहले केरला के अंदर आए थे है? और जो है वो वहां पर उन्होंने ट्रेड किया था। उसके बाद ये एपोस्टल ऑफ चिरिस्ट जो ईसा मसीह के सबसे जो खास शिष्य माने जाते हैं जिनका नाम था सेठ थॉमसन, वो 2000 साल पहले यहां पर आए और उनको क्रेडिट दिया जाता है टू विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। मतलब 2000 साल पहले वो भारत आए और वही क्रिश्चियनिटी को जो है वो भारत के अंदर लेके आए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो केरला के बारे में हमने स्टडी कर ली। आपके इससे ज्यादा और कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा अगर पूछा गया तो, ठीक है ना। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी कंडेम करते हैं, मतलब बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने कह दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंग्लिसाइज है। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंग्लिसाइज क्यों कह दिया? एंग्लिसाइज का मतलब क्या होता है? एंग्लिसाइज का मतलब होता है टू मेक और बिकम इंग्लिश इन साउंड। मतलब उसके अंदर सारी बातें जो है वो अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजी चीजें उसके अंदर डाली गई हैं। तो वहां के लोगों का ये मानना था, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की, कंडेम की और कहा कि इसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड यूज करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दूसरा टेक्निकल लैंग्वेज है, तीसरा इसके अंदर लॉयर्स लैंग्वेज है, वकीलों की लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गलत स्टेटमेंट थी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एंग्लिसाइज। अगर एंग्लिसाइज है तो प्रीएम्बल के अंदर जस्टिस वर्ड क्यों लिया गया, इक्वालिटी क्यों लिया गया, सेकुलरिज्म क्यों लिया गया, आप मुझे बताएं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड स्टेटस एंड गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर की समानताएं दी जाएंगी, ऐसा क्यों कहा गया? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस लोगों का नजरिया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है वाली चीज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंग्लिसाइज नहीं है। वैसे कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने एंग्लिसाइज कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्सेप्ट जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इंडिया कॉन्सेप्ट इज नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी पे नहीं टिका हुआ है, बल्कि इक्विटी पे है। किस पे है? इक्विटी। अब आप समझो इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है। देखो इक्वालिटी तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर बता रखा है, लेकिन इक्विटी को समझो। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी की डेफिनेशन मैं दे चुका हूं। इक्वालिटी वेयर एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इन द सेम मैनर, है नी, जहां सबको एक ही तरीके से जो है वो समझा जाता है नी, एंड गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समानता के अवसर बराबर दिए जाते हैं, एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जब इन पांचों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन इक्विटी क्या है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बंदा है, उसकी टांगे खराब है, ठीक है ना। अब इक्वलिटी और इक्विटी के अंदर मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि अगर कोई बस आती है, ठीक है ना, और वो बस के अंदर अगर चढ़ना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है कि तुम बस में नहीं चढ़ सकते, ठीक है ना। तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि उसको बस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर फोर्स दिया जाता है कि भाई उसको बस में जाने दो, अगर उसको अलाउ भी कर दिया गया तो कैन ही एसेस इन द बस, क्या वो बस के अंदर जा सकता है? क्योंकि बस के अंदर तो उसको व्हील चेयर पर बैठा हुआ है ना, वो बस के अंदर कैसे जाएगा? तो ये तो फिर भी उसके लिए अनफेयर हो गया। तो अब क्या करना चाहिए सरकार को? द गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल द रैम्प्स। सरकार को जो है वो रैम्प्स लगानी चाहिए वहां पर, ताकि वो आसानी से बस के अंदर चली जाए। तो इक्विटी का मतलब है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उसकी जरूरत के हिसाब से जो है वो उतनी सपोर्ट की जाए, ठीक है ना। इसको जितनी सहायता चाहिए, जितना जिसको सपोर्ट चाहिए आप उसको उतना सपोर्ट कर रहे हो, तो वही आपका जो है वो इक्विटी कहलाता है। अब मैं इक्विटी की आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या समझे? इक्विटी इज अ वर्च्यू ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? खूबी और गुण, ठीक है ना, खूबी और गुण। इक्विटी इज अ वर्च्यू ऑफ जस्टिस वेयर every individual हर व्यक्तिगत बंदे को every individual
differences under considerable, considerable मतलब जिसके जो differences है, जो उसके अंदर खामियां है, जो भी है, ठीक है ना, उसको consider समझा जाए और उसी के हिसाब से उसको support किया जाए, ठीक है ना। उसी को इतना reservation क्यों दिया गया हमारे constitution के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा छुआछूत फैल रही थी, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत चल रहा था, ठीक है ना। यू अगर आपको पता लगे कि आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ा है आपको पानी भरने के लिए, वहां पर आपको पानी भरने के लिए मना कर दिया जाए, तो हाउ वुड यू फील, आपको कैसा महसूस होगा, आपको मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया जाए, ठीक है ना, और आपको जो है वो आपको कहते हैं एक नाई बाल काटने के लिए रिफ्यूज कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये सारा क्या है, हमें इक्विटी लेके आनी है, मतलब सबको सबके गुण के हिसाब से बराबर का सपोर्ट देना है सरकार को, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता, समझ रहे ना आप। तो ये था हमारा इक्वालिटी एंड इक्विटी का डिफरेंसेस, इक्विटी का जो है वो डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, एरेज कर दूं। अब यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जिस वक्त जो है वो भारत आजाद हो रहा था, मतलब जिस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, वो क्या बात थी मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू सेज द यूनिटी ऑफ इंडिया इज नॉट समथिंग इंपोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट इज नॉट आर कंपल्शन, इट्स आर स्ट्रेंथ। जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही कि यूनिटी जो है ना, एकता, वो हमारे ऊपर बाहर से थोपी नहीं गई है, इंपोज नहीं की गई है, बल्कि इट इज आर कंपल, और ये हमारी कंपल्शन भी नहीं है, ये हमारी मजबूरी भी नहीं है, बल्कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हमारी ताकत क्यों है। जब आपने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बढ़ चढ़कर जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो है हिस्सा ले रहे थे, तो क्या सबके झंडे अलग अलग थे, सबके फ्लैग अलग अलग थे, सबके सॉन्ग अलग अलग थे, नहीं, कुछ सिंबल और कुछ सॉन्ग उस वक्त निकल के आए जो सब एक साथ गुनगुना रहे थे, एक ही कलर का उनके हाथ में जो है झंडा था, ये हमारी एकता को, हमारी डायवर्सिटी की रिस्पेक्ट को दिखा रहा है, ठीक है ना, हमारे इंडिया के रिच ट्रेडिशन को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने वाली बात कही थी, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना और नोट डाउन कर लेना इसको। अब अगर मैं आपको बताऊं फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कि जिस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो सॉन्ग्स एंड सिंबल्स एमर्ज्ड की मीनिंग होती है टू अपीयर, मतलब उस वक्त उभर के आना, कुछ सॉन्ग और चिन्ह उभर के आए, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स एमर्ज्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, और वो लगातार हमें ध्यान दिला रहे थे एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन, हमारी कंट्री के रिच ट्रेडिशन को वो जो है वो लगातार हमें ध्यान दिलाते हुए आ रहे थे कि हमारा एक ही झंडा है और हम एक ही तरीके के सॉन्ग्स को जो है वो गुनगुना रहे थे, ठीक है ना। एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर आर डायवर्सिटी, जो कि हमारी डायवर्सिटी की रेस्पेक्ट को दर्शाता है, ठीक है ना, हमारी डायवर्सिटी की रेस्पेक्ट को बताता है। तो कई सारे सॉन्ग्स और सिंबल्स उस वक्त निकल के आए जो कि हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवा रहे थे कंट्रीज रिच ट्रेडिशन, ठीक है ना, ऑफ रेस्पेक्ट फॉर आर डायवर्सिटी, ठीक है ना। अब यही चीज हमें फंडामेंटल ड्यूटी याद दिलाती है,
इसको कर लिया, इरेज कर दूं। यही चीज हमें फंडामेंटल ड्यूटी याद दिलाती है, और वो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? आर्टिकल 51A ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी बच्चा लोग? ड्यूटी ए, फंडामेंटल ड्यूटी 51A। कौन सी ड्यूटी? ए ड्यूटी। ये क्या बताती है हमें? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। और जो है हमें जो है संविधान को, जो संविधान का पालन करना है और उसकी रेस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियल्स जो है, जो उसके आइडियल्स हैं, जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर है, ठीक है ना। इट्स आइडियल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। हमें इन सबकी इज्जत करनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? द नेशनल फ्लैग। उसके बाद एंड द नेशनल एंथम, ठीक है ना। तो अब एक कमाल की बात देखो कि आर्टिकल 51A हमें क्या याद दिला रहा है, जिसको हमने फंडामेंटल ड्यूटी पहली बना दी। हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है, एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इन सबकी हमें क्या करनी है? रेस्पेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द एनी सिनेमा, बिफोर स्टार्टिंग द मूवी यू हैव टू स्टैंड टू लिसन द नेशनल एंथम। आपको उसको रेस्पेक्ट देनी है। आपके बराबर में कोई ब्राह्मण है, आपके इधर बराबर में कोई क्रिश्चियन है, आपके आगे अगर आप देखोगे तो दूसरी कास्ट का है, उससे अगर आगे आप देखोगे तो कोई मंत्री बैठा है, तो कोई सिविल सर्वेंट का कोई बंदा बैठा है। ये मैटर नहीं करता, ये हमारी डायवर्सिटी को दर्शाता है कि इतनी ज्यादा डायवर्सिटी, इंडिया इज अ वास्ट डायवर्सिटी कंट्री, इवन देन वी आर लिविंग विद द पीसफुली, वी आर नॉट टॉलरेटिंग ईच अदर। हम एक दूसरे को झेल नहीं रहे, बल्कि इज्जत कर रहे हैं एक दूसरे की, अपनी डायवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी धर्मों को एक साथ लेके चल रहे हैं, सभी कास्ट की, सभी रिलीजियस की, सभी जेंडर की, मतलब जो है हम इज्जत कर रहे हैं। तो ये हमारी डायवर्सिटी को दर्शाता है, मतलब इतनी ज्यादा वास्ट डायवर्सिटी होने के बाद भी हम एक साथ रह रहे हैं, तो ये हमारी डायवर्सिटी को दर्शाता है। तो इट्स ऑल अबाउट आर फर्स्ट चैप्टर। ये डायवर्सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जो आपको चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, सिक्स सिविक्स का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें, और चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को बजा दे, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।